हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड वी विल डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देयर। वी विल यूज ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द डेफिनेशंस व्हिच वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट। Now the first question is, what is the sum of any two odd numbers or any two even numbers? हम लोगों को यहाँ पे कोई भी दो odd number को जोड़ करके देखना है कि जो number आ रहा है result में उसका characteristic कैसा होगा, कैसा है, ठीक है, odd है या even है। अब दूसरा भी देख सकते हैं, even prime है, odd prime है, इस तरीके का भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे particularly odd या even देखना है, ठीक है। compare इस तरीके से करेंगे, दो इवन नंबर को ले लेंगे, उसको ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको करेक्टराइज करेंगे कि उसका करेक्टरिस्टिक कैसा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन जब बना रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर, कोई भी नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर भी ओड नंबर लेना है तो एक और तीन ले लो, वन एंड थ्री। अब वन एंड थ्री को ऐड किया तो ये फोर, फोर इज इवन, तो देयरफॉर फोर इज इवन, वी कैन से दैट सम ऑफ two odd numbers are even। आप दूसरे भी examples लेकर के check कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, b, let the number be 6 and 8, मैं बड़ा number ले रहा हूँ, तो 6 plus 8 will be 14, therefore 14 is even। So from here we conclude that so sum of two even numbers are even। यहां से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तो ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, आगे अगर हम लोग देखें कुछ चीज, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या था, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि दोनों नंबर या तो इवन था, ठीक है, बोथ नंबर्स वे या तो इवन था या ऑड था, बोथ नंबर्स वेर आइदर इवन और ऑड। बट अगर हम लोग ऐसा नंबर ले जो एक इवन हो एक ऑड हो तब कैसा आता है नंबर, देखते हैं हम लोग, कोई एग्जांपल खुद से ले रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग कोई दो नंबर लेते हैं जिसमें एक इवन हो और एक ऑड हो, जैसे 6 ले लिया और एक 1 ले लिया, अब दोनों में से देखिए ये इवन है ये ऑड है, ठीक है, ये क्या आया 7, ये क्या हो गया ऑड नंबर्स हो गए। उसी तरीके से हम लोग डिफरेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं, जैसे एक प्राइम एक कंपोजिट या दोनों प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे 13 प्लस 2 दोनों प्राइम है, ठीक है। अब दोनों प्राइम है जैसे 13 प्लस 3 ले लेते हैं, 13 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या होगा 13 प्लस 3 16। अब देखिए यहाँ पे 13 प्राइम था, 3 भी प्राइम है, ठीक है, और कैसा प्राइम है, ये ओ भी ओड प्राइम है और ये भी ओड प्राइम है, ठीक है। रिजल्ट क्या आ गया, कंपोजिट, ठीक है। ये या इसको हम इस एग्जांपल में भी ले सकते हैं कि ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन नंबर, जैसे ये इवन कंपोजिट है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अगर और भी कोई एग्जांपल ले लें, जैसे एक इवन प्राइम नंबर है, हम लोगों के पास बताया गया था कि देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2 इन द नंबर सिस्टम। तो अगर 2 को हम किसी भी, अगर 2 एक प्राइम नंबर ले ले और एक और प्राइम नंबर ले ले, जैसे 13 ही ले लेते हैं, ये क्या है इवन प्राइम है, ठीक है, ये क्या है ओड प्राइम है, ठीक है, और दोनों को जोड़ा तो हम लोगों को क्या मिला 15, तो क्या है ऑड कंपोजिट, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बहुत क्राइटेरिया, बहुत रिजल्ट निकाल सकते हैं, और आप लोग इस तरीके से रिजल्ट निकाल करके अपने पास रखिए, उसको रिमेंबर करके रखिए, या एग्जांपल के तौर पे कोई भी आप नंबर लेकर के आप उसको सॉल्व करके एग्जामिनेशन में देख सकते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट, इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, प्राइम आ रहा है, कंपोजिट आ रहा है, इवन प्राइम, इवन कंपोजिट किया सकता है। जैसे पहला केस हम लोगों ने यहाँ पे, तो हम लोगों ने देखा कि दो, अगर दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो तब रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा, मतलब दोनों एक तरीके का नंबर हो, दोनों ऑड नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा, दोनों इवन नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो खुद से एग्जांपल लिया, जहाँ स्टार मार्क्स लगा रहा हूँ, वहां पे देखिए एक इवन को और एक ऑड को ऐड किया तो क्या आ गया, और मतलब दोनों अलग अलग टाइप के नंबर हैं,
दोनों अलग अलग टाइप के नंबर है तो क्या आएगा, ऑड आएगा। दोनों एक ही टाइप के नंबर रहते हैं, जैसे इवन को इवन के साथ ऐड करते हैं तो क्या आता, टेन। उसी तरह ओड को भी ओड के साथ ऐड करते हैं, क्या आता, टेन। उसी तरह अगर हम ओड को इवन के साथ ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ऑड। तो इसी कंडीशन में सिर्फ एक ऑड नंबर आता है, बाकी सारे कंडीशन में, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे प्राइम, दो प्राइम नंबर को ऐड करने पे यहाँ पे इवन आ रहा है, कब, जब दोनों ऑड है तब। लेकिन अगर उसी में प्राइम नंबर में भी एक इवन है और एक ऑड है तो क्या आएगा, रिजल्ट ऑड। तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक वही वाला लागू हो रहा है, इवन ऑड। देखिए ये वाला कैरेक्टरिस्टिक लागू हो रहा है, इवन ऑड, रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑड। और यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लागू हो रहा है, ऑड ऑड, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन। ऑड ऑड मतलब ये वाला, ऑड ऑड और रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे उसी बेस पे आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे हियर दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी, that is state whether the following statements are true or false. Here the various statements are given here and we have to answer it on the basis of observation that the statement is true or false. So the first is the sum of three odd number is even. So aap koi bhi example lekar ke aap solve karke dekh lijiye, to pehla sum of three odd numbers, koi bhi three odd numbers le lijiye. For example main ek odd leta hu, 7, 9 ले लेता हूँ, क्या 9 + 13 + 3 और नंबर ले लिया, इसको ऐड करके देखा तो 13 + 3 क्या हो, 16 + 9 25 25। अब देखिए ये और ये और एक तरीके का नंबर है, तीन ऑड नंबर्स, तीसरा क्या आया, ऑड नंबर। पिछले वाले एग्जांपल में क्या देखा था, दो ऑड नंबर्स को लेता था तो क्या आता था, रिजल्ट इवन, ठीक है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे तीन ऑड नंबर्स लिया हम लोगों ने, ऐड किया, तो इस दोनों का रिजल्ट तो इवन आ गया। अब जैसे मान लीजिए तीन ऑड नंबर्स, रिजल्ट कैसे निकालेंगे कि तीन, अगर यहीं पे पांच ऑड नंबर्स रहता, पांच ऑड नंबर्स, तो हम लोगों को दिमाग में हमेशा रखना है कैसे निकालेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम लोगों को ये याद है, हम लोगों को ये याद है, देखिएगा ध्यान से, हम लोगों को ये याद है कि दो ओड नंबर्स को ऐड करने पे इवन नंबर्स आते हैं हमेशा, दो इवन नंबर्स को ऐड करने पे हमेशा इवन नंबर्स ही आते हैं हमेशा, ठीक है। और एक ओड और एक इवन चाहे कैसे भी रहे, चाहे इस तरीके से लिखा रहे, चाहे इवन प्लस ओड रहे, मतलब दोनों अलग अलग टाइप के नंबर्स हो, तो दोनों कंडीशंस में क्या आएंगे, ओड, क्लियर। तो ये हम लोगों के पास कंक्लूजन हम लोगों के पास पहले से आया हुआ है। अब आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछा कि चार ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, पांच ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, और आपको ये वाला रिमेम्बर्ड है मेमोरी में, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे हम पांच ओड नंबर को ओड नंबर प्लस ओड नंबर प्लस ओड नंबर प्लस ओड नंबर प्लस ऑड नंबर, तीन तो पांच, पांच हो गया। अब रिजल्ट क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, तो हम लोग बस यहीं से बता सकते हैं लोगों को अगर याद है तो। कैसे, देखिए दो, इस दो नंबर को, इस दो, ये दोनों ऑड नंबर है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो एक इवन आएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो एक इवन आएगा, और ये तो ऑड अकेला बच गया। तो अब हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या बच गया, हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए तो लास्ट में जो भी जो रिजल्ट आएगा इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इवन प्लस इवन प्लस ओड, ठीक है। अब दो इवन नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, देखिए दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो इवन आता है, तो मतलब इस दोनों इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो अब रिजल्ट में क्या आ जाएगा, इवन प्लस, अब क्या बच जाएगा हम लोगों के पास, इस दोनों को ऐड कर दिया इवन आ गया, तो इवन प्लस ओड, और इवन और ओड को ऐड करते हैं तो क्या आता है, ओड, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओड। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली कि अगर पांच ओड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ओड, ठीक है। अगर उसी तरीके से चार ओड नंबर आता हम लोग, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों के पास चार ओड नंबर आता, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे चार ओड नंबर ले लेते हैं, एक ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस ओड,
ठीक है, चार ओड नंबर ले लिया हम लोगों ने, चार नहीं पांच हो गया ना, चार ले लिया हम लोगों ने, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो देखो इस दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन। और इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन, ठीक है। और इवन इवन को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन। अब आप किसी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ऑड था चार नंबर तो मैं ओ लिख रहा हूं ऑड के लिए, आई एम राइटिंग ओनली ओ, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड ऐसे लिख रहा हूं, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड इस तरह लिख रहा हूं बस, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बस मैं जल्दी से लिखने के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। लिख दिया तो आप इस दोनों को ऐड किया, इवन आ गया, तो क्या बचा? इवन प्लस ऑड पूरा लिख दे रहा हूं, ऑड ऑड। अब इस इवन और ऑड को ऐड किया तो क्या हो गया? इवन और ऑड ऐड करते तो ऑड आता है, तो ऑड बचा, ऑड प्लस ऑड लास्ट में बचा, ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन। देखिए आंसर मिल गया हम लोगों को, ठीक है ना। अब किसी भी तरीके से इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द सेकेंड कैटेगरी, मतलब यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट क्या, सम ऑफ थ्री ऑड नंबर, तो दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इवन। और एक इवन और एक ऑड लास्ट में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ऑड। तो सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन, तो ये फॉल्स हो जाएगा हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं कि फॉल्स कौन सा होगा और ट्रू कैसा कौन सा होगा। हम लोग आगे बढ़ते, जैसे सम ऑफ टू ओड नंबर्स एंड वन इवन नंबर, टू ओड नंबर का रिजल्ट क्या होगा? टू ओड नंबर्स है और एक इवन नंबर है, तो दो ओड नंबर्स है और एक इवन। अब ओड और ओड का रिजल्ट इवन आता है, और इवन प्लस इवन का रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। इसका आंसर क्या होगा? टू होगा, ठीक है। आपको हर एक नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग को रिजल्ट ये आ जाए कि दो अगर इवन हो या दो और नंबर हो ऐड करें तो इवन आएगा, तो हम लोग इस तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड, तीन ऑड नंबर है उसका प्रोडक्ट ऑड होगा, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो कोई भी तीन नंबर मान लीजिए आप, ऑड नंबर्स जैसे तीन सात और पाँच, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 21 बचे 105, ठीक है। तो 105 क्या है? ऑड नंबर्स है, तो मतलब तीन ऑड को मल्टीप्लाई करने पे ऑड आता है। तो आप इसी तरीके से हम लोग इस चीज को भी हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं, कैसे? तो हम लोग वो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? जैसे देखिए हम लोग दो ऑड नंबर लेते हैं, 3 + 7 क्या आया? 21 ऑड आया, ठीक है। दो इवन नंबर लिए, 2 × 4 इवन आया, दोनों ऑड लिया हमने, ये भी ऑड ये भी ऑड, तो ऑड आया रिजल्ट। दोनों इवन लिया, ये भी इवन तो ये भी इवन आया। अब एक ऑड एक इवन ले लेता है तो क्या आया? 12, ये भी इवन आया, एक ऑड ले लिया और एक इवन आया। तो हम लोगों को रिजल्ट में क्या आया? रिजल्ट में ये आया हम लोगों के पास, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, रिजल्ट में ये आया कि अगर दोनों नंबर, अगर कोई भी नंबर है दुनिया में, ठीक है, एनी नंबर इन द वर्ल्ड, देखिए ऑड इनटू ऑड आया, रिजल्ट क्या आया? ऑड, पहले रिजल्ट लिख लेते हैं, फिर ऑड इनटू इवन या इवन इनटू ऑड लिख लीजिए आपके मन, तो क्या आया रिजल्ट? इवन। और इवन इनटू इवन रिजल्ट क्या आया? इवन। तो आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर क्या मिल रहा है? देखने के लिए ये मिल रहा है कि दुनिया में कोई भी नंबर हो, ठीक है, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, अगर इवन नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट इवन आएगा। मतलब कोई भी दुनिया में नंबर हो जो या ऑड हो या इवन हो, उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। और अगर दोनों नंबर ऑड हो, चाहे जितने भी नंबर हो, सारे के सारे ऑड्स हो, तो कोई इवन नंबर ना हो, सारे के सारे ऑड हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड आएगा। मतलब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि 10 ऑड नंबर है, 11 नंबर है हम लोग के पास, इफ वी हैव 11 नंबर्स, ठीक है, इन विच वन नंबर इज
even, then the product is even. अब इसमें बोल दिया गया कि true और false करने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग? 11 नंबर हम लोगों के पास, 11 नंबर, 11 में ठीक से लिख देता हूं, 11 नंबर है हम लोगों के पास, उसमें से एक नंबर इवन है. अब दुनिया में कोई भी नंबर हो, चाहे देखिए 11 नंबर है, मैं ऑड को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, एक्स से, ठीक है ना, ऑड को रिप्रेजेंट करूंगा एक्स से और इवन को रिप्रेजेंट करूंगा वाई से, ठीक है, या ऑड को ओ से रिप्रेजेंट करूंगा और इवन को ई से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ये अच्छा रहेगा. तो आगे चलते हैं, 11 नंबर है टोटल जिसमें से एक इवन है, तो मतलब 10 ओड होंगे, तो एक प्रोडक्ट निकालना है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और नौ, और एक इवन है, ये हम लोगों के पास रिजल्ट है. तो हम लोग जान रहे हैं, यहाँ यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड होता है. देखिए इस दोनों को ऑड इंटू ऑड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा रिजल्ट, इस दोनों का ऑड रिजल्ट आएगा, फिर इस दोनों का ऑड, इस दोनों का ऑड, और इस ऑड इवन का क्या आएगा, ऑड इवन का क्या आता है, इवन. हम लोगों के पास रिजल्ट में क्या आएगा, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू, इसका एक ऑड, इसका एक ऑड, इसका एक ऑड और इसका एक ऑड, इसका एक इवन. फिर उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, इसका ऑड, इसका ऑड, और ये लास्ट में इवन बेचारा अकेले बच गया. फिर लास्ट में ये दोनों ऑड मिल करके फिर क्या बनेगा, ऑड और ये इवन मल्टीप्लाई होगा, और ऑड और इवन मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, इवन. इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कितना भी आपको ऑड नंबर दे दिया जाए, अगर एक इवन नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरा नंबर इवन हो जाता है, ठीक है, इवन नंबर जो आता है रिजल्ट वो हो जाता है. तो इस तरीके से हम लोग सारे रिजल्ट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो बच्चे लोग आप लोग देखिए कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए, ताकि कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चीज बताया जा रहा है क्लास में, जो कि सिलेबस के आउटसाइड तो नहीं है, लेकिन आपके बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जानना नहीं है, आपको जानना है, सब कुछ है, ठीक है. तो हम लोग द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड, तो ये क्या होगा, दिस विल बी ट्रू, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. अब जैसे इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, अगर कोई इवन नंबर टू से डिविजिबल है तो द कोशियंट इज ऑलवेज ऑड, तो कोशियंट हमेशा ऑड होगा, ये तो फॉल्स ही होगा. आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, टू के टेबल में कोई भी नंबर इवन है, ठीक है, टू के टेबल में तो सारे नंबर, अगर इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, टू के द कोशियंट इज ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑलवेज ऑड होगा, तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, इवन भी हो सकता है, ठीक है ना. जैसे 18 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 29 जाए 18 हो गया, लेकिन वही 16 को डिवाइड किया तो 28 जाए 16 हो गया, ठीक है. तो यहाँ 8 इवन है, तो यहाँ 9 ऑड है, तो कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, इट इज नॉट द मैटर कि हमेशा ऑड या इवन ही हो, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, चलिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, सारे प्राइम नंबर्स ओड हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है. पहले बताया गया आप लोगों को कि टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये तो आंख बंद करके इसको फॉल्स मान दो. प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, अब प्राइम नंबर के पास कोई फैक्टर नहीं होता क्या, प्राइम नंबर के पास दो फैक्टर होते हैं, एक खुद और एक वन, ये भी फॉल्स हो गया, इसको भी आंख बंद करके मान सकते हैं. सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, क्या दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होता है. अब देखिए दो नंबर का सम इवन कब आएगा, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, दो नंबर का सम इवन कब आएगा, तो या तो दोनों इवन रहेगा तब आएगा, या तो दोनों ऑड रहेगा तब आएगा, ठीक है ना. और अगर दोनों एक इवन रहा एक ऑड रहा, ठीक है, तो क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग नंबर हैं, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो हम लोगों के पास दो इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर खास करके रहना चाहिए, प्राइम नंबर भी रहना चाहिए, इवन ही नहीं सिर्फ प्राइम नंबर, प्राइम इवन, प्राइम और प्राइम, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं. तो दो नंबर इवन है तो इवन होगा,
तो मुझे दो नंबर ऐसा बताइए जो इवन प्राइम है। ऐसा तो दो नंबर अलग अलग है नहीं, एक है, वो क्या है? तो टू इज द वनली एंड द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, और बाकी सारे क्या है? बाकी सारे जितने भी प्राइम है सारे ऑड है। तो मतलब टू को अगर हम किसी कंडीशन में बैठा दें, इस कंडीशन बैठा दें, इस कंडीशन में तो नहीं बैठेगा क्योंकि तो दोनों ऑड है, तो दोनों ऑड होगा तो इवन होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर टू के साथ अगर किसी इवन ऑड प्राइम को हम लोग ऐड कर दें, जैसे टू के साथ हम लोग थ्री ऐड कर दें, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? फाइव आएगा, सॉरी यहाँ फाइव आएगा। फाइव क्या है? ओड है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सम ऑफ टू प्राइम नंबर से ऑलवेज इवन, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सोचते हैं और इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना, तो आपका आंसर गलत होने की संभावना अति कम है। आगे देखिए, टू इज वनली इवन प्राइम नंबर, तो ये तो एकदम सही, टू कर लीजिए आप। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, बहुत कॉम्पैक्ट जगह हो रहा है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सारे इवन नंबर्स कंपोजिट हैं क्या? तो नहीं, तो टू तो प्राइम है ना, इवन भी है। और ऐसे जीरो के बारे में अगर देखें तो जीरो भी एक इवन नंबर है, लेकिन ना वो प्राइम कंपोजिट है, यहाँ तो फॉल्स ना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट इवन होगा। तो मैंने बताया इवन एक ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लॉजिकली थिंक करके आप क्वेश्चंस को इजी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, बोथ ऑफ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। मतलब कि 100 तक, जीरो से लेकर के 100 तक आपको प्राइम नंबर ढूंढना है ऐसा जिसका डिजिट्स दोनों सेम हो लेकिन इंटरचेंज हो। ठीक है, तो वैसा हम लोग ढूंढेंगे, अगर मिल जाए तो हम लोग लिख देंगे। अब जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, 17 एंड 71, ये दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका डिजिट ये वंस प्लेस पे है 7 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है? टेंस प्लेस पे, और यहाँ पे वन वन टेंस प्लेस पे है, और यहाँ पे वन क्या है? वंस प्लेस। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट करेंगे, आप लोग खुद फाइंड आउट कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को मैं नहीं बताऊंगा, जो लॉजिकल क्वेश्चन जो अच्छा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बताने लायक है उस बताऊंगा, आप इसमें सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, 100 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर्स लिख करके उसको बना लेंगे। चलिए, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20, ये भी आप बना लेंगे। आगे चलते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? ये तो भाई बहुत ईजी है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो आपको तो पता ही है, 10 से काउंटिंग करना पीछे से शुरू करो। 10, 9, 10 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 3 से डिविजिबल, 8 कंपोजिट, उसके बाद 7, 7 प्राइम है। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज मैं बताता हूं, ठीक है ना, बिटवीन और टू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे और 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बीच के नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 इस सारे नंबर्स में सर्च करेंगे। अगर लेकिन अगर लिखा हुआ रहता, अगर ऐसा लिखा हुआ रहता कि फ्रॉम 1 टू 10, 1 टू 10 तक में खोजिए, तो उसमें 1 और 10 दोनों इंक्लूड होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं यहाँ पे खुद से ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन बना रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिटवीन ऑड नंबर्स खोजना है, यू हैव टू फाइंड द ऑड नंबर्स। पहला केस है बिटवीन 1 टू 10, दूसरा केस है बिटवीन 1 एंड 10, दूसरा केस है फ्रॉम 1 टू 10। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो आपको बिटवीन और एंड है यहाँ पे 1 और 10 के बीच में खोजना है, तो मतलब ऑड नंबर्स खोजना है, तो 1 और 10 लिख लिया हम लोगों ने। तो पहले केस का आंसर देखे निकाल रहा हूँ, दूसरे केस का, पहले 1 से 10 तक मैं लिख ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हैव रिटन। फर्स्ट क्वेश्चन में बिटवीन कह रहा है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए
वन को और टेन को नहीं लेंगे, बाकी सब में सर्च करते हैं। देखिए ये इवन है, और नंबर सर्च करना है, थ्री लेंगे, फिर फोर नहीं फाइव लेंगे, फिर सिक्स नहीं सेवन लेंगे, फिर एट नहीं नाइन लेंगे। लेकिन फ्रॉम वन टू टेन अगर बोल रहा है तो वहां में वन को इंक्लूड करेंगे और टेन को भी इंक्लूड करेंगे, तो इसमें एक डिजिट और इंक्लूड हो जाएगा, वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन आर द नंबर। तरीके से आप लोग समझ जाएंगे कि वन बिटवीन और टू के बीच में क्या अंतर है। पहले भी क्लासेस में पढ़े थे, पहले भी क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन मैंने फिर से बता दिया ताकि आप लोग के दिमाग में रिवाइज हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ओड नंबर्स। हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि जो नंबर्स हम लोगों को दिए हुए उसको दो ओड नंबर के सम में रिप्रेजेंट करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो जस्ट दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। तो ए है यहाँ पे, फिफ्टी फोर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 41 प्लस 3 44 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी ओड है, ये भी ओड है, बस इस तरीके से हम लोगों को सारे नंबर। जैसे 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस 7 लिख सकते हैं। आप खुद से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं 11 प्लस 7 ही। आप यहाँ पे 5 प्लस 13 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से हम लोग कुछ गेन भी कर सकते हैं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब जैसे हम लोगों को इवन है यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट में इवन है, ये सारे रिजल्ट्स दिए हुए हैं, इस चीज से हम लोग क्या गेन कर सकते हैं, सारे रिजल्ट्स में इवन दिए हुए हैं। अब इवन कब आता है, दो केस में आता है, एक या तो दो ओड नंबर को हम लोग ऐड कर दें या दो इवन नंबर को ऐड कर दें। अब हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों नंबर ओड होना चाहिए, ठीक है, तो इस 44 से छोटा कोई भी आप एक ओड नंबर घटाइए। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझिए इस बात को कि ओड को ओड से ऐड करते हैं तो इवन आता है। अब इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करें तो ओड अगर इधर अपना साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, इवन माइनस ओड, मतलब कोई भी इवन रिजल्ट दिया हुआ उसमें से ओड घटाएंगे तो क्या आएगा, ओड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवन रिजल्ट दिया हुआ है 44, उसमें से कोई भी एक 44 से छोटा ओड नंबर घटा दीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा उससे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ इस चीज को यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट सीख सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं, कितने ओड नंबर्स को ऐड करके कैसे कैसे कितना कॉम्बिनेशंस बन सकता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोगों को फर्स्ट है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसे पहला है हम लोगों का 44, तो 44 से पहले जितने भी ओड नंबर, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे दो ओड नंबर के सम के बराबर 44 को दिखाना है, 44 इवन है, तो कोई भी इवन में से कोई भी इवन नंबर और ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इवन में से ओड घटा दो, ठीक है, ओड में से इवन घटा दो, रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं क्या आता, ठीक है, देख लीजिए 44 है हम लोगों के पास। इससे जितने छोटे ओड नंबर से मैं लिख दे रहा हूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 31, 33, ये सारे जितने भी ओड नंबर है सारे 44 से छोटे हैं, और आपको कोई भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो आप जो नंबर्स मैंने लिखा ना ओड नंबर्स उसको 44 में से सबट्रैक्ट करके इसके बगल में लिख दीजिए, ठीक है, एडिशन के साथ। अब 44 को पहले 1 से माइनस कीजिए, तो 44 में मतलब एक घटाइए, फ्रॉम 44 यू विल सब्ट्रैक्ट 1, तो आएगा क्या 43, देखिए ऐड करके उसी तरह ऐड करो, 44 में 3 घटा लीजिए कितना आएगा 41, 44 में 5 घटा लीजिए तो कितना आएगा 39, 44 में 7 घटा लीजिए 37, 44 में 9 घटा लीजिए 35, 44 में 11 घटा लीजिए 33, 44 में 13 घटा लीजिए 31, 44 में 15 घटा लीजिए
24 में 17 घटा लीजिए 27, 44 में 19 घटा लीजिए 25, और 44 में 21 घटाएंगे तो 23। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ 43 जो है वो कहाँ से आया है, यहाँ से आया, ये 43, ये 41, ये 39, ये 39, क्योंकि डिसअरेंजिंग ऑर्डर में दिखाओ। अब देखिए यहाँ 23 और 23 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे 23 के साथ क्या जोड़ेंगे, फिर अब ये वाला जोड़ेंगे 21, 20 के साथ जोड़ देंगे आप 19, 25 किसके साथ था, 19 के साथ था, यहाँ पे आप 25 के साथ 19 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 17 जोड़ दीजिए, यहाँ पे आप 15 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 13 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 11 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 7 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 5 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए 43 के। तो दिस इज द पैटर्न, ठीक है। हम लोग इस तरीके से कितना भी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऑड ऑड पूछा, इवन इवन पूछा, तो हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखिए, एक क्वेश्चन का, 6 का, ए का कितना सारा आंसर है ना। आप तो यहां तक लिख सकते हैं ना, ये सारे आंसर्स है, ठीक है। कितने आंसर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 आंसर है। और आप चाहें तो इसको अल्टरनेटिव डिसअरेंज करके या किसी भी दूसरे तरीके से अरेंज करके आप इसको 22 बना सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का कमाल है, मैथमेटिक्स बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स को अगर कंपेयर करें मैथमेटिक्स से, तो बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है हमको, मेरे नज़र में, जिसमें जीरो ऐसा लेटर हो, वर्ड हो, नंबर हो, है ना, जो जो क्या है कुछ पता ही नहीं, व्हाट इज जीरो। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर आपको दिए। ओके, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9 हियर। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वी हैव टू डू हियर, राइट 7 कंसेक्यूटिव, मतलब 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। मतलब आपको 7 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं, ठीक है ना। 100 से कम, जो 100 से कम हो और 7 हो, कंसेक्यूटिव हो, और उन 7 के बीच में कोई प्राइम नंबर ना आए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को देख रहे होंगे कि जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में और आगे भी जो हम लोगों का एक्सरसाइज आएगा 3.3, 3.4, आगे भी जितने एक्सरसाइज आएंगे उसमें उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जितने भी डेफिनेशन दिए हुए वो याद कर लीजिए, और 1 से 100 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर याद कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, बार बार आप अटके ना। इसके लिए मैं एक चार्ट ले लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें प्राइम नंबर्स लिखा हुआ है 1 to 100 तक, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा मैं तो संसार दिख जाएगा देखने के। तो चलिए इतना बड़ा ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों को 100 तक देखना है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। इस रो में तो देखिए कोई भी 7 कंसेक्यूटिव ऐसा नंबर नहीं मिला हम लोगों को, उसी तरह इसमें अगर देखें इसमें भी नहीं है, इसमें देखें इसमें भी नहीं है, इसमें अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें भी नहीं है, इसमें अगर देखें इसमें भी नहीं है, इसमें इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसमें भी नहीं है, इसमें 1, 2, 3, 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें 6 है, 7 नहीं, आपको 7 कंसेक्यूटिव चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से अगर 90 से अगर आप लेते हैं, 90 से इंक्लूड करके सारे नंबर लेते हैं, तो ये पूरा इस दोनों रो को मिला करके आप 7 डिजिट्स का बना सकते हैं। और जैसे 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96 यहाँ तक आप अगर लिखते हैं, तो आपके पास 7 नंबर्स हैं जो कॉन्सिक्यूटिव है, और इसके बीच में कोई प्राइम भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। नाउ हियर इज द क्वेश्चन दैट एक्सप्रेस, इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स, वी हैव टू रिप्रेजेंट 21 एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर। देखिए जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्चुअल रहता है, जो भी एक कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड रहता है। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है, 3 ओड प्राइम, बच्चे तो इसी तरह कैलकुलेट करके बनाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पे है। कैसे कॉन्सेप्ट पे है,
हम लोगों ने पढ़ा कि दो नंबर एक तरीके का हो, दोनों ओड हो या दोनों इवन हो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। और दोनों नंबर अलग अलग हो, एक ओड हो एक इवन, या एक इवन या एक ओड हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ओड आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब उसी तरीके से थ्री ओड प्राइम्स, अब यहां पे तीन ओड नंबर को लेना है, अब दो ओड नंबर को ऐड करके इवन आ गया, और फिर इवन को ओड से ऐड किया तो ओड आएगा। तो ये तो रिजल्ट देखे, इसीलिए सारा रिजल्ट ओड क्यों दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ इवन, क्योंकि तीन ओड नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा ओड नंबर आएगा। अब ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लगा हुआ है कि ओड प्राइम होना चाहिए। अब ओड प्राइम के लिए क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है, डबल कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है। कॉन्सेप्ट क्या है कि टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ओड है। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 + 18 = 21 होगा। अब 18 को हम लोग ब्रेक अगर करें तो क्या हो जाएगा, 3 + 18 में से कोई एक ओड प्राइम घटा लीजिए, आप वही रिपीट मत कीजिए, अलग दूसरा घटा लीजिए, 5 घटा लीजिए, ठीक है तो 13 होगा। ठीक है, 7 घटा लेते तो 11 होता, या यहाँ पे 7 घटा लेते तो 11 होता। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में, ये सारा कॉन्सेप्ट कि ओड ओड इवन होता है, ओड प्लस ओड इवन होता है, इवन प्लस इवन होता है, इस तरीके से ओड मल्टीप्लाई बाय ओड क्या होता है, इवन मल्टीप्लाइड बाय ओड क्या होता है, इवन मल्टीप्लाई बाय इवन क्या होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को दिमाग में सेट कर जाना चाहिए। बात आगे बढ़ते हैं, 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। 5 पेयर ऐसे प्राइम नंबर के लिखने हैं जिसके सम डिविजिबल 5 से हो। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, इसके बाद का क्लास डिविजिबिलिटी रूल का ही होने वाला है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, 0 और 5 यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, मतलब अगर लिख दिया मैंने नंबर 1 0 5 6 7 8 5 और पूछा गया ये किससे डिजिबल है, तो लास्ट डिजिट देखना है, बस 5 है, ये 5 से डिजिबल होगा। अगर इसी में 1 0 5 6 7 8 0 रहता, लास्ट में 0 है, तो इसे ये 0 से डिजिबल होगा, लास्ट डिजिट देखना है बस। अगर 5 हो और 0 हो तो 0 से डिजिबल होगा। तो हम लोग यहीं पे ये ले लेते हैं, चार्ट ले लेते हैं हम लोग, और इससे हम लोग को देखने में आसानी होगा। देखिए ये हम लोगों के पास चार्ट है, हम लोगों को पास, हम लोगों को इसमें से नंबर फाइंड आउट करना है, जो कि ऐसा पेयर नंबर फाइंड आउट करना है 1 से 20 तक के बीच में, जिसको जोड़ने पे 5 से डिजिबल हो जाए। तो हम लोगों को बस ये दोनों सेक्शन देखना है, बाकी सेक्शन नहीं देखना है, बस ये दोनों 20 तक का, ये दोनों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 + 2 = 5 होता है, ये 5 से डिजिबल होगा, 3 + 2 = 5। अब 5 × 3 = 8, 7 × 2 = 9, 7 × 3 = 10, यहाँ पे 7 + 3 ये भी होगा, एक हिंट तो आपको दिया हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 7 + अब 7 में क्या ऐसा जोड़ेंगे जो यूनिट डिजिट 0 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है, तो 7 में 3 जोड़े तो 10 आ गया, तो 7 में उसी तरह 13 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट सेम है। अब 3 में 12 जोड़े तो 13 में 2 जोड़े, 3 में 12 2 जोड़े तो 5 आए, तो 13 में 2 जोड़े तो क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है ना, हम लोगों को यूनिट डिजिट देखना है। देखिए क्या है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, यहाँ सीख लीजिए, ये यूनिट डिजिट नंबर है, यूनिट डिजिट दोनों को जोड़े तो क्या आया, 5 आया, 5 यूनिट डिजिट है। उसी तरह ये देखिए, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो इस दोनों को यूनिट डिजिट को जोड़े तो क्या आ गया, यूनिट डिजिट 5। तो यूनिट डिजिट का सम हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा ना, तो 5 अब जिसके आएगा, दोनों प्राइम है। ठीक है, उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे 17 है, 17 के साथ क्या जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, क्या आएगा, 20 हो जाएगा, देखिए 5 हो गया। और भी लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 19 + 11
30। देखिए सब सारे नंबर्स डिविजिबल है 5 से, ठीक है, और सारे प्राइम भी है ना, बाय पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आप लोगों को इसको प्राइम नंबर दिखाना जो डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 6 हो गए, 6 हो पहले वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है सारे उसके बेस पे हैं, आप उसके बेस पे इसको बनाइए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में, और नहीं आता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता है कि इसको प्रॉब्लम आएगा, बहुत ईजी है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 0 या 2, ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है कि स्मॉलेस्ट 0 है या 2 है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी इवन है, 2 भी इवन है, ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही, ठीक है, ओके। तो अच्छा है, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, मैंने तो पूरा पूरा समझाने का कोशिश किया, और इसी तरह पढ़ते रहिए। मैथ्स पढ़ने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप जितना क्वेश्चंस बना सकें, जो भी बुक है आपके पास अवेलेबल, सीआरटी के अलावा भी आपके पास कोई बुक है तो उसको बनाइए, और उसको बना करके उसको तैयारी कीजिए, जो भी है आपके पास क्वेश्चंस उसको सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व होता है तो बाकी तो मैं हूँ ही, ठीक है, ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।